नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक जानकारी के संबंध में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और चमत्कारिक औषधि पौधा। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये छोटा सा झाड़ देख रहे हैं, ये बहुत ही चमत्कारिक औषधि है और अनेक आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। आप इस औषधि की पहचान कीजिए। ये औषधि के पत्ते हैं दोस्तों, और ये पत्ते कांटों से युक्त होते हैं, अर्थात इस जहाँ पर ये पत्ते लगे हुए हैं उस टहनी में ये नीचे की ओर छोटे छोटे कांटे होते हैं। ये सर्वत्र कटीला पौधा है और ये जो आप देख लीजिए, ये यहाँ पर काटे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन है औषधियों में। ये जो पीले पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसके फूल हैं और ये पीले रंग के होते हैं। दोस्तों, ये जो चमत्कारिक औषधि है, इस औषधि का नाम है लता करंज। जी हाँ दोस्तों, ये करंज का पौधा है, ये करंज का झाड़ है और इस करंज के ये देख लीजिए आप, ये कांटे हैं, ये कांटों से सर्वत्र लगा हुआ होता है, अर्थात इसके सब अंग में कांटे पाए जाते हैं। देखिए पत्तों के नीचे जो भाग है उसमें भी कांटे हैं। तो ये करंज बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है और अनेक गुणों से भरपूर है। आप इसके औषधि गुणों से परिचित भी होंगी और नहीं भी हो तो मैं परिचित करा दूँगा। ये इसके फूल हैं, आप देख सकते हैं, इन्हीं फूलों में फल लगते हैं जो फल औषधि के काम आते हैं। दोस्तों, इसका जो फल है वो भी कांटों से भरा होता है और वह फल कैसा होता है वह मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो आपको इस झाड़ में ये कटीले जो फल दिखाई दे रहे हैं, यही इसके फल हैं और औषधि रूप में प्रायः यही काम आती है। अब इसका आप सफ़ेद दाग में किस तरीके से प्रयोग करेंगे वह सुन लीजिए। करंज बीज, इनके नीचे जो ये जब पक जाते हैं तो इनके नीचे जो बीज निकलता है उसको तवे में भून लीजिए, फिर उसको फोड़ दीजिए तो ये आसानी से फूट जाते हैं। फिर उसके नीचे जो बीज निकलता है वह मैगी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं औषधियों में। तो करंज बीज, चित्रक मूल, खैर छाल, कनेर की जड़, इन चार औषधियों को लेकर के एक साथ कूट पीस करके महीन चूर्ण बना लें। फिर इस चूर्ण में नीम के पत्र की स्वरस की 5 भावना देकर सुखा लें तथा बागची के तेल में गाढ़ा गाढ़ा घोल बना के एक लेप जैसा बना लें। फिर इस लेप को अपने सफ़ेद दाग वाले स्थान पर लगाइए तो यह प्रयोग आपके सफ़ेद दागों में बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा और कुछ दिन लगाने के बाद सफ़ेद दाग बिल्कुल चला जाएगा। पुनः सुन लीजिए औषधियाँ। करंज बीज, चित्रक मूल, खैर छाल और कनेर जड़, इन चार औषधियों को लेकर के एक साथ कूट पीस लें। फिर नीम के पत्ते की स्वरस की 5 भावना देकर के सुखा लें तथा इस चूरन में बागची के तेल को गाढ़ा गाढ़ा लेप बनाकर सफ़ेद दाग वाले स्थान पर लगाइए और ऐसा प्रयोग आपके सफ़ेद दाग को लाभ पहुँचाएगा और बीमारियों से बचाएगा, अर्थात सफ़ेद दाग जो है वो कुछ ही दिनों में ठीक होने लगेगा और लगातार प्रयोग करने से सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका प्रयोग कीजिए और सफ़ेद दाग में लाभ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में नई औषधियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।